जनपद संभल में कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या किए जाने के विरोध में कानून व्यवस्था की अस्थियां नदी में विसर्जित की। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेसी भवानीपुर पुल सोत नदी के पास इकट्ठा हुए और उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर अस्थियां विसर्जित कर विरोध प्रदर्शन किया। अस्थियां कंधों पर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अस्थियां नदी में विसर्जित की। जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मची हुई है, व्यक्ति घर से निकलने में डरता है, प्रदेश में जंगल राज है, महिलाएं और बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, योगी सरकार में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की हत्या हो चुकी है, इसको लेकर ही हम उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थी निकालकर भवानीपुर सोत नदी में विसर्जित की। इस मौके पर कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज कायम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोग खुद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। केवल पुलिस के बल पर अपना खेल उत्तर प्रदेश सरकार खेल रही है। जो राम राज का वादा करके जनता से आए थे, उन्होंने गुंडा राज बना के रख दिया है। और उत्तर प्रदेश में आम जनमानस को सड़क पर आते जाते अबेर सबेर अगर एक या दो दिन में कोई आदमी खड़ा ना दिखाई दे या रास्ते में निकल के जाता है तो उसके परिवार को हर समय डर लगा रहता है, न जाने कब क्या और कैसी घटना घट जाए। इसलिए आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मरी हुई कानून व्यवस्था की अर्थी निकाल के अस्थियां जलाने का काम किया है और इसका कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह से गुंडा राज चलता रहेगा, हम उसका विरोध करते रहेंगे।